बुधवार को साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार में श्रम विभाग अधिकारियों की दस्तक से हड़कंप मच गया। वैसे तो 50% दुकानदारों ने सुबह से ही अपनी दुकान बंद कर रखी थी, लेकिन 50% दुकानें खुली हुई थी। जो दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलकर बैठे हुए थे, उन्होंने अधिकारियों की आहट पाते ही प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। जिन दुकानों तक अफसर पहुंचे, उन सभी को इस हिदायत के साथ कार्रवाई से मुक्त रखा गया कि अगली बार बाजार खुला मिला तो चालान काटे जाएंगे। दिल्ली बस स्टैंड से बाजार में छापामार कार्रवाई शुरू होते ही अफसरों की दस्तक की भनक दुकानदारों के जरिए पूरे बाजार में फैल गई। नेहरू रोड बाजार, बिनोली रोड, गांधी रोड और बावली रोड बाजार के प्रतिष्ठानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। दुकानदार प्रतिष्ठान बंद कर उस ओर निकल पड़े जहां पर छापा मारा गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को साप्ताहिक बंदी के दिन प्रतिष्ठान बंद रखने की हिदायत दी। कुछ व्यापारी नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से उन्होंने ये कहते हुए कार्रवाई करने से मना कर दिया कि अगली बार दुकानें खुली मिलने पर चालान काट दिए जाएंगे। भास्कर समाचार से वार्ता करते हुए व्यापारियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर छोटे दुकानदारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए सबके लिए एक नियम लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शहर के सभी मॉल खुले हुए हैं, सिर्फ साप्ताहिक बंदी के आदेश छोटे दुकानदारों के लिए बने हैं। क्या बड़े दुकानदारों पर ये आदेश लागू नहीं होते? उन्होंने कहा कि हम आदेशों का पालन करने से नहीं हटते, लेकिन ये आदेश सभी के लिए लागू होने चाहिए और जो आदेशों का पालन नहीं करता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाजार में अफरा तफरी का माहौल है और हर एक दुकानदार परेशान है बंदी को लेकर, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है बंदी का, ये प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। या तो बाजार को पूर्णतः रूप से बंद होना चाहिए या फिर खुलना चाहिए। इसी को लेकर सभी दुकानदार असमंजस में हैं, क्योंकि सब परेशान हो रहे हैं और बड़ी बड़ी दुकान खुल रही, छोटी सारी बंद करवा रहे। जो बड़ी दुकान है वो खोली जा रही हैं और जो छोटे दुकानदार हैं वे परेशान हैं। इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि इसको प्रॉपर किया जाए, सबकी हो ना, सबकी खुले। बस भाई साहब, हमने तो बंदी कर रखी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी दुकान खोल ले, हम तो चाहे एक दिन की सप्ताह एक छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से बाजार बंद होना चाहिए। दो दुकान खुल रही, 10 बंद हो रही, इस तरह तो प्रभावित हो जाए मामला। मॉल खुल रहे, सारे बंद होना चाहिए, बाजार जी पूर्ण रूप से बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ते की छुट्टी भी। क्या बड़े बड़े मॉल खुल रहे, छोटे व्यापारी पर कोई दिक्कत है जी? सब ये छोटे व्यापारी पे है क्या? सारे नियम लागू, सब पर बराबर होना चाहिए, पूरे मॉल बंद होने चाहिए, पूरे जो विशाल मैगमार्ट फुलाना जितने शोरूम है सब बंद होने चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए, हम खुश हैं। ये बुधवार की वजह से है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आ रहे हैं कहने दुकानें बंद करो, लेकिन मंदी का दौर है, ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा, बाजार बिल्कुल ठप है, व्यापार ठप हो रहे और आजीविका नहीं चल रही है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये कैसे काम करेंगे? बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, सब ग्राहक वहाँ पे चले जाते हैं, तो जब बंद होनी है तो सबकी बंद होनी चाहिए, नहीं तो फिर छोटे व्यापारी को क्यों परेशान किया जा रहा है? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित जैन ने बताया कि अगर कोई दुकानदार बुधवार को भी अपनी दुकान खोलना चाहता है तो उसके पास 7 दिन दुकान खोलने का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर किसी दुकानदार के पास यह रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको साप्ताहिक बंदी के आदेशों का पालन करना होगा। ऐसा है, बाजार बंदी का नियम तो है, लेकिन श्रम विभाग द्वारा ही दुकान खोलने के लिए नियम बनाया गया है। सभी व्यापारी भाई अपना रजिस्ट्रेशन करा कर दुकान खोल सकते हैं, 7 दिन दुकान खोल सकते हैं। जो दुकानदार आज दुकान खोल रहे हैं, बंद कराई जा रही है, अगर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, इन व्यापारी भाइयों का रजिस्ट्रेशन है, वो दुकान खोल सकते हैं, 7 दिन दुकान खोल सकते हैं, कोई नियम नहीं है बंद कराने का। इस तरह चालान काटे जा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, उनके चालान काटे जा रहे हैं। सभी व्यापारी भाई अपना 7 दिन खोलने का रजिस्ट्रेशन कराएं और प्रशिक्षण आराम से खोलें, कोई दिक्कत नहीं है। इनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग द्वारा ऑनलाइन किया जाता है।